मिल गई। भूत चला गया, अभी हम जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। बाप रे स्वामी जी, थैंक यू सो मच स्वामी जी। अच्छा भूत चला गया क्या, जो ऐसा साउंड आ रहा है स्वामी जी? ओ आप मिमिक्री आर्टिस्ट हो क्या? ऐसा नहीं बोलते। मेरी बात समझ में नहीं आई? अब मैं तुम सबकी जान लूंगा, तब तुम समझोगे, तब तुम समझोगे। हमें बचाने वाले स्वामी जी का ये हाल हो गया, तो तुझ पर विश्वास करने वाले हम लोगों का क्या हाल होने वाला है जी? इतने दिनों से भूत उस आईने में था, हम लोग बिना जाने इधर उधर ढूंढ रहे थे। मैं नहीं पढ़ूंगा जी, उसे उठा कर नहीं फेंकेंगे तो हमारे नाक से खून बहेगा, इसके बाद मैं ब्लड डोनेट भी नहीं कर सकता जी। मदन की प्रेमिका को लेकर आने के लिए मदन और सुरेश जा रहे हैं। रास्ते से आते समय मदन की प्रेमिका को सुरेश गलत नजर से देखता है। हेलो, मैं घर छोड़कर बाहर आ गई। बच्चों, मेरे पापा दूसरी लड़की से शादी करने के लिए मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। मैं सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर हूँ, अगर तुम अभी नहीं आए तो मैं सुसाइड कर लूंगी। हेलो हेलो, जी जी कुछ पूछो यार जी। तो यही सुरेश है क्या? इतनी जल्दबाजी करके क्यों आई? क्यों? तुम्हारे साथ वो लड़की रहती है, उसी से शादी कर ली तुमने? पागलों जैसी बात मत करो, वो मेरी फ्रेंड है, तुम मेरी होने वाली वाइफ। तुम क्या करने वाले हो मुझे नहीं पता, हम अभी शादी करेंगे। मेरे नाना जी का घर यही है, हमारे प्यार के बारे में उनको पता है, वो लोग मैनेज कर लेंगे। तुम्हारे नाना जी का घर? तो तुम अपने नाना जी के घर पर हो और दो दिन तुम वही रुको, मैं अपने फ्रेंड्स को कोई रूम दिलवा देता हूँ, उसके बाद हम उसी घर में रहेंगे, ठीक है ना? मुझ पर विश्वास है ना? प्रॉमिस? प्रॉमिस? मैं नाना जी के घर पर जाकर तुम्हें कॉल करती हूँ। ओके बाय। सिद्धार्थ, मुझे बुखार जैसा क्यों लग रहा है? तुमने काफी समय से ट्रैवल नहीं किया ना, तो बॉडी हीट हुई होगी, टेंशन मत लो। वो तो तुम मेरे साथ ही हो तो मुझे डरने की क्या जरूरत। वाह क्या लोकेशन है। इस सिद्धार्थ, अपनी शादी होने तक तुम्हारे फ्रेंड्स सब साथ रहेंगे, ठीक है, लेकिन शादी होने के बाद सबको भेज देना। ओके, ये किसको भेजेगी पता नहीं, खुद यहाँ आकर फंस रही है मासूम कहीं की। हाय। हाय। सिद्धार्थ, इतने जोर से दरवाजा क्यों बंद किया? मैंने कहाँ बंद किया? लगता है वो पहले सिक्योरिटी का काम करता था, इसलिए खुद ही बंद कर रहा है और खुद ही खोल रहा है। ओके सिद्धार्थ, मैं जाकर फ्रेश होती हूँ। वापस आएगी तो देखते हैं। सिद्धार्थ, तू हम लोगों को यहाँ क्यों लेके आया? अरे नहीं यार, वो बाथरूम गई है ना। तू चाहता क्या वो निकले तो हम देखें? मेरा मतलब ये था कि वो जिंदा निकल रही है, देखें। बेवकूफ कहीं का बात को कैसे संभाल रहा है। स्टोरी स्क्रिप्ट के हिसाब से नहीं हुई तो हम सब मारे जाएंगे ना। बराबर। हाँ यार। ए, भाई
माफ कर दे। उस स्क्रिप्ट के हिसाब से मैं ही सुरेश हूं। आते वक्त रास्ते में मदन की प्रेमिका को सुरेश गलत नजरिए से देखता है। मजबूरी है भाई, कहानी के हिसाब से नहीं चला तो मर जाऊंगा। ए, चुप कर। भाई वो मेरी क्लोज फ्रेंड जैसी तो है। तो उसे बहन नहीं मानता था क्या? ओए कम बोल तू। स्टोरी स्क्रिप्ट भूतिया सर, अगला टास्क क्या ये तो बता दीजिए। मदन की प्रेमिका को देखने के बाद सभी लोग चौंक जाते हैं। ए, क्या चाहिए तुझे? हा? क्यों कर रहा है ऐसा तू? क्या यार? आला जी जल्दबाजी कर रहे हो? ऑपरेशन सक्सेसफुल। तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तुम्हें पसंद नहीं है तो बोलो, मैं अभी चली जाती हूँ। अरे नहीं, तुम्हें नहीं, इन लोगों को। तुम कुछ गलत मत समझना। हुँ? तुम जाओ आराम कर लो। ए, क्या कर रहे हो तुम लोग? टास्क है। इसमें तो कुछ नहीं लिखा हुआ है। ऐसा क्या? क्यों नहीं है? मैं नहीं बोला था क्या जी? जी इसी तरह से ये स्टोरी स्क्रिप्ट में होगी तो कैसा होगा, यही मैं पूछने वाला था। इतने में तुमने करके दिखा दिया। तो ना मैं जी, आपको गुस्सा आ रहा है क्या? बहुत ज्यादा आ रहा है। इसमें से रिलीज होने के लिए मेरे पास एक आइटम है। रुक जाओ अभी आता हूँ। ये किसके लिए लेके आया? ये डेविल के लिए है जी। हाँ, हाँ जी। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है ना, उस बारे में वैश्य को पता नहीं चलना चाहिए। तू और तेरे गर्लफ्रेंड वाले प्रॉब्लम्स। आईने में तो मेरा फेस ही नहीं दिख रहा है। सिद्धार्थ